आवाज बिल्कुल बंद। जैसे मान लीजिए अपने पास क्लास 12th क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी चैप्टर तीसरा पढ़ाने पास है और वीडियो देखा तीसरा पढ़ पास। कल अपने पढ़ा था जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, तो मैंने कल वितरण समझा दिया आपको। कितने भागों में बांटा था अपने उसको? तीन भागों में, चार बांटा था अपने, चार भागों नाम याद, चार भागों के। मेरा पहला था अपने पास संघ जनसंख्या, सामान्य जनसंख्या, मिलन जनसंख्या और अपने पास न्यून जनसंख्या। वो किस आधार पर था अपने पास? वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। कौन सा था अपने पास? वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। आज अपन पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। कौन पढ़ेंगे अपने? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो आपको पता होना चाहिए जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। बता दोगे परिभाषा? एक वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों के औसत अनुपात को क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। तो इसको प्रभावित करने वाले अपने पास दो कारक हैं। बताते हैं अभी दो तरह अपने पास है। तो देखिए अपने पास एक आ जाएगा, अपने पास कौन सा जाएगा? भौतिक कारक। कौन सा जाएगा अपने पास? भौतिक कारक का मतलब जानते ना आप लोग। दूसरा अपने पास जाएगा आर्थिक कारक। आर्थिक कारक, अब देखिए भौतिक कारक के अंदर अपने पास कितने, अपने पास कितने पॉइंट दे रखे हैं देखना। भौतिक कारक कितने पॉइंट है? पहला जाएगा अपने पास स्थिति, दूसरे क्या जाएगा अपने पास? दूसरे क्या जाएगा अपने पास? जल की उपलब्धता, जल की प्राप्ति करते हैं यहाँ पे। तीसरा कौन सा है? जलवायु। चौथा कौन सा है? देखिए अपने पास में भौतिक कारक कितने अपने पास? चार है। पहला स्थिति है, दूसरा जल की प्राप्ति क्षेत्र है, तीसरा जलवायु है और चौथा कौन सा है? मृदा। चौथा कौन सा अपने पास है? मृदा। तो देखिए अपने पास में अब आर्थिक पढ़ देखिए आर्थिक कितने प्रकार का अपने पास है। पहले डायग्राम बना लिया अपन। तो देखिए अपने पास आर्थिक कितने प्रकार का अपने पास? खनिज आ जाएगा पहले, खनिज और कौन सा? नगरीकरण। औद्योगिकरण। चौथा कौन सा है? सामाजिक। आवाज बिल्कुल बंद कर दी है। अब देखिए अपने पास में जनसंख्या को प्राप्त करने वाले कारण देखिए अपने बना दिया प्रोजेक्ट अपने। आपको बोर्ड के अंदर पत्र आता है तो पहले बनाना पड़ेगा प्रोजेक्ट सर। उन्हें बना दिया आपने। अगर जिस बच्चे ने बना दिया प्रोजेक्ट तो अधिकांश नंबर तो वहीं पर पढ़ तैयार जाएंगे अपने पास। अगर जिस बच्चे को प्रोजेक्ट आता है तो उसको आंसर भी आता होगा। तो वहीं पर चल काम क्या लिखा हुआ आपकी बुक में? नहीं क्या? चलो एक बार देख बताता हूँ। ठीक है अपने पास देखिए अगला देख ध्यान दे लीजिए। पहले इस बार प्रोजेक्ट क्या रखे अपने पास? प्रोजेक्ट किस प्रकार अपने पास है? जनसंख्या घनत्व। मैंने पहले भी कहा था आपको कि पर्सन को ध्यान से देखना है, वितरण पूछ रहा है या घनत्व पूछ रहा है। घनत्व पूछ रहा है तो अपने पास दो कारण बन जाएंगे अपने पास भौतिक कारक। देखिए भौतिक कारक का मतलब क्या होता है? ऐसे कारक जिसमें मानव की किसी भी प्रकार की क्रिया का उपयोग नहीं हो। ऐसे कारक जिसमें मानव की किसी भी क्रिया का उपयोग नहीं हो, यानी वो सभी कारक जो प्राकृतिक होते हैं वो भौतिक कारक होते हैं अपने पास में। तो देखिए अपने पास पहला है स्थिति। जनसंख्या जहाँ पर रह रही है वो किस प्रकार का धरातल है और किस प्रकार का कटिबंध है। तो मैंने आज से बात दो दिन पहले आपको समझाया था बोर्ड के ऊपर कि हमारे पास कटिबंध किस किस प्रकार के कटिबंध कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बताते ना आपको एक गोला बना कर प्रति आकार बना बताते हैं आपको। तो बीच में एक रेखा बनाती है जहाँ पे भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा अपने पास है? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के ऊपर एक रेखा बनाती है नाम है कर्क रेखा। तो कर्क रेखा के पास में कौन सा कटिबंध होगा? उसके ऊपर पड़ जाएंगे बीच कर्क में कौन सा होगा? शीतोष्ण कटिबंध। का मतलब ये होता है कि वहाँ का तापमान और जलवायु सम होती है। यहाँ पर समतल मैदान होंगे, पानी की पर्याप्त व्यवस्था होती है, तो ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। तो हमने विश्व के वह सभी क्षेत्र ज्ञात कर लिए हैं समशीतोष्ण के अंतर्गत आने वाले जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। तो इस तथ्य क्या लिखेंगे? कौन से कटिबंध में और किस प्रकार के क्षेत्र में
किस प्रकार के प्राकृतिक धरातल में जनसंख्या अधिक निवास करती है। जनसंख्या नियम होता है, तेज तापमान वाले क्षेत्रों में जनसंख्या नहीं रहती है क्योंकि वहाँ पर मरुस्थल जैसी स्थिति पाई जाती है, वर्षा कम होती है, वनस्पति रहित क्षेत्र होते हैं, और अति शीत यानी जहाँ पर बर्फीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जनसंख्या नहीं पाई जाती है। जहाँ नहीं तो ज़्यादा तापमान हो और नहीं कम हो, बीच में जो तापमान होता है उसे बोलते हैं सम जलवायु। क्या बोलते हैं उसको? सम जलवायु क्षेत्र में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। तो सम जलवायु जो क्षेत्र होते हैं उन्हें बोलते हैं समशीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? जो 20 डिग्री लेकर 40 डिग्री के बीच में पाए जाते हैं, और इसी डिग्री में विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, इस तरह हमको दिक्कत आएगी तो देखिए, पहले दिमाग में रखना बौद्धिक कारक वह कारक होते हैं जो प्राकृतिक होते हैं, मानवीय क्रिया का किसी प्रकार का उपयोग नहीं होता। ठीक है, पहले हमको समस्या आएगी क्या स्थिति में कल्याण चला गए। जो देखिए जल की प्राप्ति, ये बहुत ही इजी पॉइंट आपके पास है। ये बोल रहा है कि जल जहाँ पर अधिक मात्रा में होता है वहाँ पर लोग ज़्यादा निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि जल ही जीवन है। जल है तो कल है। जल हमारे खाने पीने सभी कार्यों में होता है। जल हमारे कृषि के लिए विशेष महत्व है। जिन क्षेत्रों में जल की अच्छी व्यवस्था होती है, नदी नहर तालाब झील इत्यादि पाए जाते हैं, उनके आसपास लोग ज़्यादा निवास करते हैं क्योंकि अधिकतर लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि करना। और कृषि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है? जल है। तो जल प्राप्ति वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा संघन जनसंख्या निवास करती है। लिख सकते हैं इसके ऊपर तो दिख रहा है इसमें। दीजा देखिए, जलवायु, जलवायु शब्द आते ही आपको जान लेना है कि इसमें दो प्रकार के तत्वों का अध्ययन होता है, तापमान और वर्षा का। तापमान और वर्षा का, जिन क्षेत्रों में तापमान 20 से लेकर 30 के मध्य होता है उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा निवास करते हैं। जिन क्षेत्रों में वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है उन क्षेत्रों में ज़्यादा लोग निवास करते हैं, और उन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। तो देखिए, भारत का अपने पास ये हिस्सा अपने पास है, ये पूरा हिस्सा अपने पास है। इन क्षेत्रों के अंदर वर्षा 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है, इसलिए भारत के इन सभी क्षेत्रों के अंदर सबसे ज़्यादा मुख्य चीज़ खाने वाली कौन सी है? चावल है। कौन सी है? चावल। हम जहाँ रहते हैं वो राजस्थान है, और राजस्थान में वर्षा होती है 50 सेंटीमीटर लेकर 100 सेंटीमीटर। ये वर्षा जहाँ होती है वहाँ पर गेहूं उत्पादन होता है। क्या होता है वहाँ पे? गेहूं, जो चना, सरसों, ये अपने पास उत्पन्न होती है। और जहाँ 50 सेंटीमीटर से कम होती है उन क्षेत्र में जवान, बाजरा, मक्का, मोठ उत्पादन होता है। तो राजस्थान के हम किस भाग में रहते हैं? पश्चिम भाग में। किस भाग में रहते हैं? पश्चिम भाग रहते हैं। तो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, इनका मुख्य भोजन कौन सा है? बाजरा। कौन सा है? बाजरा। अपने पास उदयपुर है, कोटा, बूंदी, हरदोई जो क्षेत्र हैं उनका मुख्य भोजन है गेहूं, क्योंकि यहाँ वर्षा 50 से ज़्यादा होती है। तो ये याद रखना चाहिए, वर्षा के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र का अध्ययन कर सकते हैं, तापमान के आधार पर अध्ययन कर सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र भी जहाँ तापमान 20 से 30 के बीच हो, वर्षा 100 से 2 सेंटीमीटर हो, ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है। ठीक है, अगला जाएंगे मृदा। मृदा बन सकते हैं मिट्टी। क्या होती है? मिट्टी। तो मिट्टी किसे कहते हैं? इसकी क्या परिभाषा होगी? किसे कहते हैं मिट्टी? मिट्टी मिट्टी कहते हैं। मिट्टी परिभाषा हो गई क्या ये है? अरे तो प्रेटियम पूछ लिया कि मृदा किसे कहते हैं। तो देखिए, धरातल के ऊपर, धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले कोमल कणों से युक्त, धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले कोमल कणों से युक्त, जिसमें घास फूस या हुमस की मात्रा हो, जिसमें घास फूस या हुमस की मात्रा हो, इस प्रकार के संरचना युक्त क्षेत्र को मिट्टी कहा जाता है। लिख लो एक बार, लिख लो आप लोग। धरातल के ऊपरी भाग पर, धरातल के ऊपरी भाग पर, धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले ऊपरी भाग पर पाए जाने वाले कोमल कणों से युक्त, कोमल कणों से युक्त, जिसमें हुमस की मात्रा पाई जाती है,
इसमें ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ह्यूमस बताता हूँ आपको, ह्यूमस क्या होता है, उसमें ह्यूमस का मतलब होता है घास फूस कीड़े मकोड़े जीवाश्म इत्यादि, यह कूड़ा कचरा होता है ना, उसे बोलते हैं ह्यूमस। तो मिट्टी पाया जाता, नहीं पता था ये कचरा पाया जाता है मिट्टी में, तो ह्यूमस की मात्रा पाई जाती हो उसे मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मृदा कहते हैं। तो परिभाषा क्या बन गया? परिभाषा धरातल के ऊपरी भाग पर पाए जाने वाली कोमल कणों से युक्त जिसमें ह्यूमस की मात्रा हो उसे मृदा। मृदा दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, एक होती है कणों के आधार पर और एक होती है रंगों के आधार पर। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, कणों के आधार पर और रंगों के आधार पर। कणों के आधार पर होती है तीन प्रकार की, चीका दोमट और बलुई, चीका दोमट और बलुई। और कणों के आधार होती है छह प्रकार की, कितने प्रकार की होती है? छह प्रकार की होती है, जिनमें अपने पास लाल काली पीली भूरी भूरी पीली या काली भूरी, इस प्रकार की छह प्रकार की मिट्टियाँ होती हैं। समझ आ गए? तो ये बोल रहा है, अपने पास पूछ रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी में ज़्यादा लोग निवास करते हैं, वह मिट्टी जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, और कौन सी मिट्टी होती है वो? दोमट मिट्टी। कौन सी होती है? दोमट मिट्टी के वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा लोग निवास करते हैं। ये आपके प्रैक्टिकल में भी प्रश्न पूछा जाएगा, क्योंकि आप ग्राउंड में रहेंगे उस समय आपसे पूछ सकता है वो। ठीक है सर, ये दोमट मिट्टी कहाँ होती है? दो मिट्टी बताते हैं अभी आपको, बता देते हैं दोमट मिट्टी कहाँ होती है। देखिए मिट्टी को जानने के लिए अपने पास तीन प्रकार की मिट्टी होती है, तीनों की लिखाऊंगा मैं परिभाषा आपको। ठीक है, अरे चेप पूरा जाए, अपने पास आगे वाला पार्ट पार्ट आएगा मिट्टी का आएगा, इसमें लिखाऊंगा आपको पार्ट। मृदा किसे कहते हैं? तीनों परिभाषा आपके साथ भी बोल सकते, बता दूंगा आपको, सुन लो एक बार, लिखना बाद में आप लोग। देखिए चीका मिट्टी, पहले मैंने आपको चीका मिट्टी बोली ना, चीका मिट्टी, दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी, तीन प्रकार मिट्टी हो गई। मेरे पास किस आधार पर हुई ये? कणों के आधार पर। किस आधार पर हुई ये? तो देखिए पहली मिट्टी आपके पास है चीका मिट्टी, धरातल के ऊपर पाए जाने वाली वो मिट्टी जिसके कण बिल्कुल बारीक हो, जिसके कण बिल्कुल बारीक हो, आपस में सटे हुए हो, आपस में सटे हुए चिपके हुए हो, सूर्य का प्रकाश उस मिट्टी के कणों को पार नहीं करता हो, सूर्य का प्रकाश उस मिट्टी के कणों को पार नहीं करता हो, उस मिट्टी के आंतरिक भाग में, यानी उसे उपाड़ते हैं तो उसके आंतरिक भाग में पानी की प्राप्ति हो या पानी की आर्द्रता पाई जाती हो, इस प्रकार के गुणों से युक्त मिट्टी को चीका मिट्टी कहते हैं। जी चीनी मिट्टी अब उठाते ना तो नीचे पानी आते नीचे निकालते ना, तो यह वो अब क्या काम आती है, अपने अपने यहाँ मकान नीपने काम आती है, बर्फ बनाने काम आने आती है, चूल्हा नीपने काम आती है, तो ऐसी मिट्टी क्या बोलते हैं अपन? चीका मिट्टी कहते हैं। और ये मिट्टी कहाँ आ जाती है? जहाँ पर बरसात 200 से अधिक होती है उन क्षेत्रों में चीका मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरे, देखिए बलुई मिट्टी, कौन सी मिट्टी है अपने पास? बलुई मिट्टी, जो मैंने परिभाषा बोली है इसका ठीक उल्टा कर देंगे अपन, जिसके कण मोटे हो, आपस में सटे हुए चिपके हुए नहीं हो, सूर्य का प्रकाश ठीक नीचे तक जाता हो और मिट्टी के आंतरिक भाग में पानी की आर्द्रता नहीं हो, इस प्रकार की मिट्टी को बोलते हैं बलुई मिट्टी। तो बड़े बड़े देखे आपको ढेर देखो मिट्टी के टीले देखे होंगे, ऊपर टीले पर जाएंगे मिट्टी लुढ़ते नीचे आएगी, लेकिन पूरी मिट्टी सूखी मिलेगी, तो उस मिट्टी को बोलते हैं बलुई मिट्टी। सबसे कम उपजाऊ मिट्टी होती है जो हमारे रेगिस्तान में पाई जाती है। अब देखिए तीसरी मिट्टी कौन सी अपने पास है? दोमट मिट्टी। इन दोनों को जोड़ देंगे, जिसके कण ने तो मोटे हो नहीं बारीक हो, जिसके कण ने तो मोटे हो नहीं बारीक हो, लेकिन जिसमें जीवाश्म और ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, जिसमें जीवाश्म और ह्यूमस की मात्रा अधिक हो, उस प्रकार की मिट्टी को क्या बोलेंगे अपन? दोमट मृदा के नाम से जाना जाएगा। ये विश्व की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है और ये जहाँ पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में सघन जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, ये हो गया आपके पास।